फिज़िक्स टेंथ क्लास शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स मख्तसर सवाल जवाब इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ये वीडियो इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मुफीद है क्योंकि तमाम मुख्तर सवाल के जवाब उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में इस वीडियो में मौजूद हैं प्यारे बच्चों याद रखिए कि जितने भी सवाल हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ये सब बोर्ड्स के पेपर्स में पहले भी आए हुए हैं और ये बहुत बहुत अहम आते हैं इसलिए इनको बड़ी अच्छी तरह से याद कीजिएगा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए बहुत शुक्रिया क्वेश्चन नंबर वन वट इज वाइब्रेशन वाइब्रेशन से क्या मुराद है या वाइब्रेशन की तारीफ कीजिए वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन उर्दू में इसका जवाब ये होगा किसी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिसम के एक साइकिल साइकिल को चक्कर कहते हैं एक साइकिल मुकम्मल करने को एक वाइब्रेशन कहते हैं क्वेश्चन नंबर टू राइट थ्री फीचर्स ओ प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन खसूसियात तहरीर कीजिए आंसर नंबर वन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पजिशन नंबर टू इट्स एक्सलेशन इज ऑलवेज डिरेक्टेड टू वर्ड्स द मीन पोजिशन नंबर थ्री इट्स वालसिटी इज मैक्सिम एट द मीन पजिशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पजिशंस उर्दू में सवाल का जवाब ये होगा नंबर वन सिंपल हारमोनिक मोशन में जिसम हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द हरकत करता है नंबर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सलेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है नंबर थ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी वस्ती पोजीशन पर ज्यादा से ज़्यादा होती है जबकि इंतहाई पोजिशन में इसकी वेलोसिटी सिफर होती है क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज़ मट बाय स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑल्सो राइट इज फॉर्मूला स्प्रिंग कॉन्स्टेंट से क्या मुराद है इसका फार्मूला भी लिखिए द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड डिसमेंट इज होल्ड द स्प्रिंग कॉन्सटेंट यह इसकी आसान तारीफ है अगर इसकी स्टैंडर्ड तारीफ आपने लिखनी है तो फिर ये लिखीएगा द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग टू द डिसमेंट इट मेक्स उर्दू में इस सवाल का जवाब ये होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की निस्बत को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है या स्प्रिंग पर लगाई जाने वाली कु्वत और इस कु्वत की वजह से स्प्रिंग में आने वाले डिस्प्लेसमेंट के दरमियान नस्बत को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है और स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला क्या है जी खानी कॉन्स्टेंट इज एक टू माइनस एफ

This force is directly proportional to the change in length x of the spring. Its equation is force is equal to minus constant into displacement. OF is equal to minus k into x. The negative sign, this sign, negative. The negative sign means that the force exerted by the spring is always directed. डिसमेंट ऑफ द मैस उर्दू में सवाल का जवाब यू होगा अगर किसी स्प्रिंग को डिसमेंट एक्स तक खेचा जाए या दबाया जाए तो ये मास एम पर फोर्स एफ लगाएगा यानी स्प्रिंग मास एम पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम एफ से जहर कर रहे हैं यहां पर अब हुक्का कानून क्या कहता है हक्के कानून के मुताबिक फोर्स एफ स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा एक्स यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी एफ इज एक टू माइनस के ऑफ एक्स अब इस मसावत में जो नेगेटिव आ रहा है माइनस का साइन मसावत में नेगेटिव का मतलब है कि स्प्रिंग की अमल करदा फोर्स एफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक्स की सम्मत के मुखालफ होती है यानी दोनों की सम्मत हमेशा अपोजिट होगी इसी वजह से ये साइन नेगेटिव आया हुआ है इस मसावत में क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड राइट इट्स एस आई यूनिट फ्रीक्वेंसी की तारीफ कीजिए और इसका एस आई यूनिट तहरीर करें द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओ साइकल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकेंड इज होल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी द एस आई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स एंड इट्स सिंबल इज आई जेड इक्वेशन इज एफ इज इक्वल टू वन ओ थी थी मीन्स टाइम पीरियड उर्दू में इसका जवाब किसी पॉइंट के गर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिसम की एक सेकेंड में वाइब्रेशन की तादाद फ्रिक्वेंसी कहलाती है और फ्रीकेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्स है जिसकी अलामत एच जेड है और फ्रीकेंसी की मुसवात है एफ यानी फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वन ओवर टी टी मींस टाइम पीरियड क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है इसकी तारीफ करें मोशन ऑफ आर बॉडी अराउंड इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन किसी जिस्म की अपने वस्ती पोजिशन के इर्द गिर्द हरकत वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है और इसकी बेहतरीन मिसाल है सिंपल पेंडुलम की मोशन क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन एंड इज ऑलवेज डेड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ सिंपल फैंडुलम इज़ होल्ड सिंपल हारमोनिक मोशन उर्दू में जवाब सिंपल हारमोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिसप्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है और इसकी सम्मत हमेशा वस्ती पोजिशन की तरफ होती है और सिंपल हारमोनिक मोशन की सबसे उमदा मिसाल सिंपल पेंडुलम की मोशन है क्वेश्चन नंबर एट डिफाइन एम्पलीट्यूड इज इट्स यूनिट एम्पलीट्यूड की तारीफ करें और इसका एस आई यूनिट बी लिखिए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आई द साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज होल्ड इट्स एम्पलीट्यूड एस आई यूनिट SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल m स्मॉल m उर्दू में क्वेश्चन नंबर एट का जवाब किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का इस पॉइंट से ज्यादा से ज्यादा किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है और एम्पलीट्यूड का SI यूनिट मीटर है जिसको के छोटे एम से ज़ाहर किया जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन थ्रू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे किसी जिसम की वक्त के मुसावी वक्फों में वस्ती पोजिशन के आद, आगे पीछे या इर्द गिर्द हरकत को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं क्वेश्चन नंबर टेन वट इज रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट ऑलवेज फुश और ओ द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजिशन रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ओसेलेट्री मोशन करते हुए जिसम को उसकी वस्ती पोजिशन की तरफ खींचती है या उससे दूसरी तरफ यानि अपोजिट डायरेक्शन को धकेलती है क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इज सिंपल फेंडुलम सिंपल फेंडुलम से क्या मुराद है द सिंपल फेंडुलम कंसिस्ट अव अ पॉइंट मैस एम सस्पेंडेड बाई मीन ऑफ लाइट